बांका जिला मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया बिहार दिवस। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सभी जिलावासियों के साथ साथ जिला के तमाम पदाधिकारी गण, कर्मचारी गण व तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रिंट मीडिया कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिया बधाई। साथ में उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली को विशेष रूप से बल दिया गया है, जिससे वातावरण स्वच्छ रहेगा। वहीं कोविड-19 को लेकर मुख्यालय में सभी उपस्थित व्यक्तियों ने मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंस का पालन किया। बिहार दिवस के अवसर पर कई आदिवासियों ने ढोलक माजरा के साथ नृत्य करते देखा गया। मौके पर जिलाधिकारी सुहर्ष भगत, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता, बांका के वर्तमान विधायक सह पूर्व राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, बेलहर के विधायक श्री मनोज यादव, नगर परिषद के अध्यक्ष संतोष सिंह व कई अन्य पदाधिकारियों के साथ गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता, 500 कार्टून विदेशी शराब के साथ ट्रक को किया जब्त। ट्रक की निबंधन संख्या BR2H4963 है। बता दूं कि बिहार में शराब माफियाओं ने होली पर्व को लेकर भिन्न भिन्न तरीकों से लाकर शराब को स्टॉक करने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग बांका ने चौकन्ना होकर प्रत्येक दिन किसी न किसी शराब से लदा वाहन को जब्त कर रही है। ताजा मामला भलजोर चेक पोस्ट की है, जहां पर गिट्टी से भरा एक ट्रक को जांच करने हेतु रुकने का इशारा किया। वहीं ट्रक चालक ने कुछ दूरी पर गाड़ी को रोककर फरार हो गया, जिसका पुलिस ने पीछा किया लेकिन पकड़ में नहीं आया, जिसका कुछ पता नहीं चल पाया। इधर ट्रक का जांच किया तो गिट्टी के नीचे से 500 कार्टून विदेशी शराब मिला। शराब के साथ ट्रक को जब्त करते हुए थाना परिसर बौसी लाया गया। रेड का नेतृत्व अवर निरीक्षक मद्य निषेध प्रमोद कुमार ने किया। ALTF बांका टीम के द्वारा एक शराब तस्कर को 300 बोतल देसी मसालेदार शराब के साथ किया गिरफ्तार। ALTF टीम ने चानंद पुल के समीप जांच के क्रम में टोटो से 300 बोतल देसी शराब को जब्त करते हुए तस्कर वरुण कुमार चौधरी पिता स्वर्गीय अंतु चौधरी अलीगंज बगड़िया बांका को नगर थाना बांका लाकर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। मौके पर ALTF टीम में ASI उपेंद्र यादव, सिपाही प्रेम दत्त पंडित व सैफ जवान हरिशंकर ठाकुर थे। रेड का नेतृत्व ASI उपेंद्र यादव ने किया। धुरैया प्रखंड के चंदाडी उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। जिसका उम्र 60 से ऊपर था उसे सामान्य रूप से दिया गया, और जिसका उम्र 45 से अधिक और 60 वर्ष से कम बीमारियों से ग्रसित था उसे भी दिया गया है। कुल 45 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। मौके पर धुरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ANM रेखा रजक और CHO रेशमी कुमारी थी। वहीं वैक्सीन लिए व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। अभी तक कितने आदमी को सुई दे चुके हैं? 35 लोग को दे चुके हैं, 5 लोग वेटिंग में हैं। किसी को कोई परेशान जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब आधा घंटा बैठ के फिर जा रहे हैं। आधा घंटे के बाद यहाँ से जा रहे हैं। किसी को अभी तक कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है अभी तक। ये कितना लोगों को पड़ेगा अभी सुई? अभी और 5 लोग को देंगे। और 5 लोग को जी। फिर आज का तो टारगेट पूरा हो गया, 40 का टारगेट था आज। तो कल फिर पड़ेगी? कल का ये, कल तो संडे है, इसका हमको अभी तक न्यूज नहीं है कि कल होगी कि नहीं। परसों का तो है। तो हर एक पंचायत में इस तरह से दीजिएगा या हर पंचायत में नहीं, जहाँ L1 है चालू वहाँ चल रहा है, जितना भी हेल्थ अवेयरनेस सेंटर है वहाँ पे दिया जाएगा। फर्जी परीक्षा कार्यक्रम के कारण हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में। दरअसल ऑनर्स पार्ट 2 की परीक्षा सभी कॉलेजों में नियमित तौर पर हो रही है, जिसमें आज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तथा इंग्लिश की परीक्षा फर्स्ट पाली में थी, लेकिन कुछ बच्चे फर्जी परीक्षा कार्यक्रम के चक्कर में आकर अपना परीक्षा छोड़ दिया। जैसे छात्रों को पता चला कि मेरा परीक्षा निकल गया है तो आग बबूला होकर बच्चों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक वर्ष की पढ़ाई की जो बात थी। वहीं बच्चों की कड़ी प्रयास के बाद कॉलेज प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि उनका फिर से परीक्षा हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी से विनती की जाएगी। फिर भी सभी बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। परीक्षार्थियों का कहना था कि कॉलेज में परीक्षा कार्यक्रम को दर्शाया ही नहीं गया था, जिसके कारण हम लोगों का परीक्षा छूट गया। रूटीन कुछ अलग था और रूटीन हम लोगों को कुछ अलग दिया गया था। यहाँ एग्जाम पहले ही हो गया, यहाँ सेकंड शूटिंग में एग्जाम, फर्स्ट शूटिंग में एग्जाम, एक का छूट सकता है एक रूटीन पे।
सबका तो नहीं छूट सकता, हर किसी का गलत नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों का टोटल का एग्जाम छूट गया है। इसके वजह से भी कॉलेज क्या डिसाइड कर रही है वो तो हम लोगों को नहीं पता है। यही कारण है अभी हम लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत मेरा बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसा एग्जाम से नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं एग्जाम देने के लिए सेकंड सिटिंग में, जो नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज हम इस जगह पे हैं। कौन सा विषय? ये बता रहा हूँ कि कतिपय कारण से कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई है। मैं विश्वविद्यालय से आग्रह करता हूँ कि बच्चों के भविष्य के लिए एक नई तिथि निर्धारित की जाए, ताकि बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो। तो सर आप नोटिस बोर्ड नहीं चिपकाए थे कैसे कैसे एग्जाम होगा? नोटिस यह पेपर के माध्यम से, हर पेपर के माध्यम से विश्वविद्यालय के द्वारा सूचित कर दिया। आप यहाँ पे नोटिस चिपकाए थे सर? आपने चिपकाया था सर? नहीं, ऐसा मुझे कोई संकेत वहाँ से नहीं मिला। संकेत वहाँ से क्या गया? एफ ग्रुप जो है वो फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा होगी, ई ग्रुप की परीक्षा 19। सर यहाँ पर आपको ये आपको करना ही होगा। तेज रफ्तार हैवान ने बाइक सवार युवक को कुचला। बांका ढाका मुरमू की सड़क पर शनिवार शाम तेलिया आईटीआई कॉलेज के पास एक बाइक सवार युवक को हैवा ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। घटना के बाद हैवा चालक फरार हो गया। घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीण की बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच गई। नतीजा बांका पुलिस भी घटनास्थल पर देर पहुंचा। जानकारी के अनुसार पास के ही ढाका बस्ती का बुधन कुमार बिस्किट का कारोबार करता था। शाम को बांका से वापस घर लौट रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार हैवा की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। वह ढाका गांव के श्याम मंडल का पुत्र है। आपको बता दूं कि बांका प्रशासन ने पहुंचकर पीड़ित परिवार व ग्रामीणों को समझा बुझाकर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया, तब जाकर परिजनों ने जाम तोड़ा। बाराहाट प्रखंड के मौनपुर गांव में एक युवक की पीट पीट कर दिया हत्या। जानकारी के अनुसार मृतक संतोष कुमार सिंह चना का झार चोरी करते पकड़ा गया था। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने भीड़ के लाठी डंडे व रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी मृतक के पत्नी को जानकारी मिला और उन्होंने बाराहाट थाना में इसकी सूचना दी। बाराहाट थाना के एसआई राजेंद्र यादव घटना स्थल पर पहुंचकर घायल संतोष कुमार सिंह पिता स्वर्गीय ललन कुमार सिंह को गाड़ी में बैठाकर बाराहाट अस्पताल लाया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार हेतु बांका सदर अस्पताल रेफर किया। वहीं ले जाने के क्रम में मौत हो गई। मृतक के घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। कौन कौन मारा? कौन चीज से मारा है? लाठी था सबके हाथ। पूछे ने कि क्यों मारा तुम लोग? पूछे बाद में तो बोला कि चना हाथ में लेके खा रहा। घर में और तो लड़का नहीं था, बच्चा भी नहीं था, जैसे कि दौड़ पड़ते जाओ जाओ हम आए तो यहाँ थाना फोन क्या होगा। यहाँ से पुलिस गया तब संतोष को उठा करके लाया यहाँ पर। हाँ, हम लोग गए दौड़ करके तो संतोष को लेकर के पुलिस गाड़ी पे लेकर के आया है। अमरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पत्रकार को हरकाया। जिले भर के पत्रकारों ने की कड़ी निंदा। जनहित की बात सुनते ही बिफर गए बीडीओ साहब। सूबे में भ्रष्टाचारियों के उच्च हो रहे मनोबल का कारण अफसरशाही का बोलबाला कहना अत्योशक्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए कि पिछले सप्ताह ही एक सार्वजनिक स्थल पर अमरपुर बीडीओ राकेश कुमार द्वारा खुलेआम तैश में आकर एक वरिष्ठ पत्रकार को गाली गलौज करने के साथ ही जेल में हवा खिलाने की धमकियां दे दी, जिसके बाद से अमरपुर समेत बांका क्षेत्र के तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर कैसे और क्यों इतने वरीय पदाधिकारी द्वारा ऐसी बचकाना और ओछी हरकत कर पत्रकार के मान प्रतिष्ठा का हनन करने का काम किया है। इस संदर्भ में पीड़ित पत्रकार शैलेंद्र कुमार झा ने बताया कि उन्हें इस बात का भान नहीं था कि केवल जनहित की बात करने पर वीडियो इस तरह से विफर कर अपना आपा खो देंगे और मेरी मान मर्यादा को धूमिल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि खबर संकलन के दौरान अधिकारियों से बातचीत हमारी दिनचर्या सी हो गई है।
ऐसे में उन्होंने कहा कि मामले के संदर्भ में जिला अधिकारी सुहास भगत से लिखित एवं मौखिक रूप से मामले की जानकारी दे दी गई है और उन्होंने जांच करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ऐसे में जिले के तमाम पत्रकारों ने ऐसे दुर्व्यवहार की कड़े शब्दों में आलोचना की है और कहा है कि गाली गलौज करना सर्वथा अनुचित है, अगर कोई बात है तो उसके निदान हेतु कई उपाय हैं। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार निर्मल, संजय सिंह, प्रदीप चक्रवर्ती, ध्रुव ठाकुर, कन्हैया चौहान, विकास शर्मा, विकास मंडल, प्रशांत कुमार, आनंद झा, अमित कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। जिले भर के तमाम पत्रकारों ने एक स्वर में आवाज बुलंद करते हुए वीडियो को तत्काल प्रभाव से पदच्युत करने की बात कही ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।